हाय एवरीवन। दोस्तों, जो लोग पूछ रहे थे कि जूनियर इंजीनियर एसएससी के लिए जनरल अवेयरनेस के लिए किस तरीके की बुक पढ़ी जाए, तो उसी के रिगार्डिंग दोस्तों आज का मैं वीडियो बना रहा हूं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जो ये बुक है आपके एसएससी जेई के लिए हेल्पफुल रहेगी, यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स की ये बुक है। ठीक है, ये इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में इस बुक में जो क्वेश्चन है जो दिए हुए हैं, ऑब्जेक्टिव बुक है पूरी तरीके से। ठीक है, तो पूरे जो सामान्य अध्ययन के जो भी क्वेश्चन है, जो भी एग्ज़ाम में एसएससी जेई का एग्ज़ाम हो या फिर हायर कंबाइंड हायर सेकेंडरी एग्ज़ाम हो, एमटीएस का एग्ज़ाम हो, इस तरीके के जो भी एग्ज़ाम है उसके सारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जनरल अवेयरनेस के, वो सारे इस बुक में दिए गए हैं। लगभग इसमें दोस्तों 7,225 क्वेश्चन है पर दिए गए हैं, तो इसको मैंने काउंट किया है तो यहाँ पर ये लगभग 6,105 क्वेश्चन इस बुक में दिए गए हैं। और उसके बाद कुछ वन लीनियर क्वेश्चन है 2,000 से ऊपर, तो इतने क्वेश्चन जहाँ लिखा हुआ इतने क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है, कम क्वेश्चन है इसमें से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के वीडियो। थोड़ा सा दिखा दूँ आपको मैं इसका रिव्यू वीडियो के बारे में, किस तरीके का बुक है, आपको लेना है या नहीं लेना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक्निकल मंत्र में। दोस्तों, जैसे ही आप बुक को ओपन करेंगे फ्रंट पेज में आपको यहाँ पे देखिए इतने सारे एग्जाम का डिटेल दिया हुआ है, यानी कि इसमें यहाँ पर जो जो एग्जाम सीजीएल लिखा हुआ है, सीएचएसएल, सीपीओ, ठीक है, एमटीएस, स्टेनोग्राफर, इस सारे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे इस बुक में दिए गए हैं। ठीक है, तो जिसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो सबसे शुरू में आपको यहाँ पर एक कंटेंट दिया रहेगा बुक का। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर आपको सब्जेक्ट दिया हुआ है कि पहले मैं आपका यहाँ दिखा दूँ आपको, मैं यहाँ पर आपका हिस्ट्री दिया गया है। ठीक है, हिस्ट्री, उसके बाद आपका उसमें मध्यकालीन इतिहास, आपका जो है प्राचीन इतिहास, उसके बाद आपका जो मॉडर्न हिस्ट्री है ऐसा दिया गया है। ठीक है, उसके बाद आपका जो पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री है, देन आपका यहाँ पर इंडियन पॉलिटी आता है सेकंड में, उसके बाद आपका जियोग्राफी, यहाँ पर आपका वर्ल्ड का जियोग्राफी दिया गया है और आपको इंडियन जियोग्राफी भी दिया गया है। ठीक है, आगे दिखाता हूँ आपको मैं। और तो उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको इकोनॉमिक्स और आपको जो इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, जनरल साइंस दिया गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के क्वेश्चन जो है दिए गए हैं। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर कंप्यूटर दिया गया इसमें, और आपके जो भी ट्रेडिशनल जनरल नॉलेज है, उसके अलावा आपके जो अप टू डेट आपके जो करंट अफेयर वाले जो क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं वो भी दिया गया है, और स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आपके पूरे 6,105 क्वेश्चन हैं, उसके अलावा 2,000 से ऊपर आपके वन लीनियर क्वेश्चन हैं। तो सभी का टॉपिक वाइज जो है यहाँ पर दिया गया है पूरा सभी का, इसमें क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। ठीक है, इंटरफेस बुक का अच्छा डिजाइन किया गया है, और यहाँ पर जो आपके दिख रहे हैं ये पूरे क्वेश्चन कौन से एग्जाम में क्वेश्चन कौन से सब्जेक्ट में पूछे गए हैं वो सारा कुछ यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कुछ पेजेस दे दूँगा, लिंक मैं आपको डाउनलोड करके दे सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको पाई चार्ट के माध्यम से या बार चार्ट के माध्यम से आपको बताया गया है कि कौन से सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन हैं ये दिया गया है। ठीक है, फिर आते हैं हम यहाँ पर आते हैं जो क्वेश्चन हमारा पहला भाग जो है हमारा ये हिस्ट्री का है। ठीक है, प्राचीन इतिहास, तो देखिए क्वेश्चन इसे यहाँ पर लिखा हुआ है, क्वेश्चन दिया गया आपको, और नीचे यहाँ लिखा गया है कि कौन से एग्जाम का क्वेश्चन है, कौन सी डेट को ये कौन से सेट में पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ ऊपर में क्वेश्चन लिखा गया है और नीचे में उस क्वेश्चन का यहाँ पर ये देखिए आपको यहाँ पर उसके आंसर दिए गए हैं। तो ये जैसे हिस्ट्री की बात हो गई। ठीक है, तो अच्छा खासा जो दोस्तों उसमें कलेक्शन दिया गया है हिस्ट्री का। ठीक है, और अगर सब्जेक्ट की बात की जाए यहाँ पर, जैसे कि ये हमारा प्राचीन इतिहास था, उसके बाद हमारा आधुनिक इतिहास दिया गया है, लाइन से सब कुछ दिया गया है, तो बहुत सारे क्वेश्चन का कलेक्शन दिया गया है। और मैं दिखा दूँगा आपको मैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पॉलिटी का यहाँ पर पार्ट दिया गया है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन उसके चार ऑप्शन, इस तरीके से पूरा ऑब्जेक्टिव जो है डिजाइन किया गया है। और आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन यहाँ पर हैं वो आपको पहले इंग्लिश में लिखा गया क्वेश्चन, उसके बाद आपको इसमें हिंदी में ही, और वैसे ही ऑप्शन भी जो है वो इंग्लिश और हिंदी, मतलब बाइलिंगुअल बुक है, दोनों आपको लैंग्वेज में वो जो है दिया गया है। तो जो उसको हिंदी में पढ़ना है वो हिंदी में पढ़ सकते हैं, इसके अलावा जिसको इंग्लिश पढ़ना है वो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। तो सभी के लिए मतलब अच्छी बुक है। ठीक है, बात की जाए अगर ज्योग्राफी की बात की जाए तो देख सकते हैं यहाँ पर ज्योग्राफी भी दिया गया है अच्छे तरीके से पूरा। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया कि एसएससी ये सीएचएसएल में आया है। उसके अलावा जो इफेक्ट है मतलब उसमें ज़्यादा जो है क्वेश्चन, देखो जीएस का डिटेल नहीं दिया गया, डायरेक्ट इसके क्वेश्चन और आंसर दिए गए हैं। तो बुक का मोटो यही है कि डायरेक्ट आपको जो क्वेश्चन सॉल्व कराना, ऑब्जेक्टिव को जो क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, और बुक उसके बाद देखिए सकते हैं आप सारे सब्जेक्ट जो हैं, मतलब जो भी जीके में पूछा जाता है, चाहे एसएससी जेई में पूछा जाए या फिर कोई सा भी स्टेट का जेई हो, तो सभी के लिए मतलब जो ही उसमें क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इन्वायरमेंट का भी देख सकते हैं आप, क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। मैंने आपको जैसे कि कंटेंट दिखा दिया, शुरू में ही दिखा दिया था मैंने कंटेंट आपको, किस तरीके की बुक है, सारे सब्जेक्ट जो हैं आपको इसमें मिल जाएंगे,
मतलब इसको यदि आप बुक को यदि आप पढ़ लेते हैं तो आपको फिर अलग से कुछ आपको जीएस पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। जो करंट अफेयर रहेंगे वो बस आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, उसके अलावा फिर आपको इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो ये देख लीजिए बुक बता दूँ कि टोटल इसमें जो बुक में यहाँ पर देख सकते हैं आपकी बहुत सारे ये वन लाइनर क्वेश्चन यहाँ पर जो दिए गए हैं जो कि मल्टीटास्किंग वाले एग्जाम के क्वेश्चन हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। तो इस तरीके के आखिरी के जो 25-30 पेज हैं उसमें पूरा यही दिया गया है, ठीक है। और यदि मैं बात करूँ बुक के पेज की तो इस बुक में लगभग आपके जो हैं वो 600 पेज हैं बुक में, ठीक है। बुक का मैं आपको यदि इंटरफेस दिखा चुका हूँ, अब बाहर देख लेते हैं थिकनेस दिखा दूँगा आपकी बुक की मैं, तो ये लगभग ये अच्छी खासी मोटी बुक है। और यदि बुक की प्राइस की बात की जाए तो बता दूँ कि इसकी जो MRP है बुक की वो आपको 395 रुपये की इसमें MRP लिखी हुई है। तो आपको ये कम पड़ जाएगी, ऑफलाइन बुक परचेस करिएगा तो आपको कम में पड़ जाएगी इसके, और ऑनलाइन भी करते हैं तो वही रेट पड़ेगा, लेकिन ऑफलाइन यदि आप करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे आप कि मैंने बुक तो ऑनलाइन मंगाई थी, लेकिन आप बुक ऑनलाइन मत मंगाइएगा, आपको महंगी पड़ेगी। और एक बुक इसकी खास बात एक बता दूँ आपको मैं, इस बुक में यदि आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो बुक आपकी जो है वो अच्छे से पैकिंग करके बुक नहीं भेजी जाती है यूथ कॉम्पिटिशन के द्वारा, तो जो बुक है आते आते आपके पास डैमेज हो जाएगी। तो बिल्कुल भी गलती से आप इसको ऑनलाइन ऑर्डर मत करिएगा कि बहुत ही ख़राब पैकिंग आती है बुक की। जिस तरीके से मैंने बुक मंगाई थी आपको दिखा दूंगा मैं, तो पूरे जो बुक के पेजेस हैं वो गीले हो चुके हैं, पेजेस फट रहे हैं। तो इसलिए ज़्यादा बेहतर होगा कि आप इसको जाके दुकान में ऑफलाइन परचेस करें, ठीक है। तो आपको बुक सस्ती ही पड़ेगी और बुक आपकी जो फ्रेश भी रहेगी, ठीक है। तो ओवरऑल बुक अच्छी है, कंटेंट बुक का बहुत अच्छा है, आप चाहें तो परचेस कर सकते हैं, बुक ज़्यादा महंगी बुक नहीं है, ठीक है। तो यदि आप कोई से भी जेई की तैयारी कर रहे हैं स्टेट की, चाहे जूनियर इंजीनियर की हो या फिर SSC जेई के टाइम है अभी एग्ज़ाम में, तो आप इसको परचेस कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी दोस्तों अगले वीडियो में हम SSC जेई के जो रीजनिंग की बुक है उसके बारे में बात करेंगे, तो आपके लिए वो भी हेल्पफुल बुक होगी, तो मैं उसके बारे में कुछ बता दूंगा आपको परचेस करने से पहले। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, अच्छा लगा वीडियो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें और ज़रूर इसको शेयर करें वीडियो को, ताकि और लोगों की मदद हो सके। धन्यवाद।